अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएसजी कमांडोज की बुनियाद 23 मार्च 1956 को रखी गई और इस यूनिट का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज के उन ऑपरेशंस के बारे में जो उसने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर किए। दोस्तों, एसएसजी कमांडोज ने अपना पहला खुफिया ऑपरेशन 1960 में किया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब किया गया, जहां पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की साजिशें हो रही थीं। और जब ये बगावत अरूज पर पहुंची और इसका बाकायदा ऐलान किया गया, तो एसएसजी कमांडोज की टीम ने मिर्जा असलम बेग के अंडर इस इलाके में अपनी कार्रवाई शुरू की और मुल्क दुश्मन अनासर को जड़ से खत्म करते हुए पाकिस्तानी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में किया। इसके बाद 1965 की जंग के दौरान एसएसजी कमांडोज के इम्तहान की बारी आई, जब इंडिया ने सियालकोट और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला किया और हमले के कुछ देर बाद बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। इंडियन फौज का सामना करने के लिए पाकिस्तानी कमांडोज ने एक एयरबोर्न मिशन बनाया और इस एयरबोर्न मिशन का मकसद था इंडिया के एयरबेस तबाह करना। एसएसजी कमांडोज की 3 टीम्स बनाई गईं और इनको पाकिस्तानी जहाज C-130 से इंडिया के पठानकोट, आदमपुर और बलवाड़ा के एयरबेस के करीब उतारा गया। और इन एसएसजी कमांडोज ने हमेशा की तरह अपनी बहादुरी और प्रोफेशनल स्किल्स का मुजाहिरा करते हुए तीनों एयरबेस नाकारा बना दिए। दोस्तों, इस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को छठी का दूध याद दिलवा दिया। अगर आलमी दुनिया इसमें इन्वॉल्व ना होती तो आज दिल्ली में भी पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होता। इसका सबसे बड़ा सबूत है इंडिया का जनरल बख्शी, आप उसी की जुबानी सुन लें। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। हुआ, अगर पाकिस्तान ना होता इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते, ये तो ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई। मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, इसके बाद 1971 में भी पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने अपनी बहादुरी का सबूत पेश करते हुए अपना लोहा मनवाया। इस जंग में एसएसजी कमांडोज ने इंडिया को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपने लोगों के पीठ में छुरा घोंपने की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से इलायदा हो गया। 1970 और 71 के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल काफी कशीदा थी। इसी के पेशे नजर पाकिस्तान आर्मी ने एसएसजी के 3rd कमांडो बटालियन मुस्तकिल तौर पर ईस्ट पाकिस्तान में तैनात कर दिए थे, जो कि टीएम टाइगर यानी तारिक महमूद के अंडर काम कर रहे थे। टीएम टाइगर, जिनको मैन ऑफ स्टील का खिताब दिया गया है, इन्होंने 71 में इंडिया की नींदें हराम कर दी थीं। दोस्तों, अगर आप टीएम टाइगर के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। 1971 में टीएम टाइगर की टीम को शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेव करने का टास्क दिया गया, जिस पर कुछ बागियों ने कब्जा करके स्टाफ और पैसेंजर को यरगमाल बना लिया था। टीएम टाइगर ने कुछ ही देर में सारी सूरत हाल पर काबू पाते हुए एयरपोर्ट क्लियर करवा लिया। उसके बाद 1979 में जब कुछ बागियों ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया और अपना जाली इमाम दुनिया के सामने रखा, तो सऊदी अरब ने फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस से मदद मांगी, क्योंकि उन दिनों सऊदी अरब के फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद भी फ्रांस की स्पेशल फोर्स कब्जा छुड़वाने में नाकाम रही। फिर सऊदी अरब में एक मीटिंग तश्कील दी गई और पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज का नाम मुंतखब किया गया, क्योंकि इससे बेस्ट चॉइस सऊदी अरब के पास कोई मौजूद ना थी। जनरल परवेज मुशर्रफ की निगरानी में एसएसजी कमांडोज का एक दस्ता सऊदी अरब रवाना किया गया।
दोस्तों काबा के तकद्दस का ख्याल रखते हुए इन बागियों से काबा को आजाद करवाना काफी मुश्किल काम था और इन बागियों ने खाना काबा के सारे दाखिली दरवाजे बंद कर दिए थे। परवेज मुशर्रफ ने कमाल की प्लानिंग करते हुए काबा के सहन में पानी छुड़वाया और उसके बाद उस पानी में करंट लगवा दिया। उसके बाद एसएसजी कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद अल हराम के सहन में उतारा गया और हमेशा की तरह अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए चंद ही घंटों में उन बागियों को पकड़ लिया गया और झूठा इमाम मेहदी मौके पर मारा गया। इस वाकये के बाद पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज की इज्जत और बहादुरी पूरी दुनिया की फोर्सेज के दिल में बैठ गई। दोस्तों 1979 से 1990 तक एसएसजी कमांडोज अफगानिस्तान में रूस के साथ इंगेज रहे और सोवियत कमांडोज के साथ भी लड़ते रहे, लेकिन हालात की सितम जरीफी यही है कि जिनके लिए हम लड़ते रहे आज वही दुश्मन के साथ मिलकर पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों एसएसजी कमांडोज ने 1980 में श्रीलंका की सिविल वार में भी अपने कामयाब ऑपरेशन किए। श्रीलंकन फौज तामिल टाइगर्स के साथ सिविल वार लड़ रही थी और इन तामिल टाइगर्स को इंडिया सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने कामयाब ऑपरेशन किया और तामिल टाइगर का सफाया कर दिया और इस पर श्रीलंका पाकिस्तान का आज भी शुक्रगुजार है। इसके अलावा इन एसएसजी कमांडोज ने श्रीलंकन आर्मी को भी ट्रेनिंग दी और इनको ट्रेनिंग देने वाला और कोई नहीं बल्कि टीएम टाइगर ही था। दोस्तों सितंबर 1983 में कुछ दहशतगर्दों ने अमेरिकन फ्लाइट PNM-73 को अपनी हिरासत में ले लिया और पैसेंजर्स को यरगमाल बना लिया। उसके बाद इसे कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एयरपोर्ट अमले ने इन लोगों से मुजाकरात किए लेकिन मुजाकरात नाकाम हो गए। इसके बाद इन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर पाक आर्मी एक्टिव हुई और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए टीएम टाइगर और इसकी टीम को बुलाया गया। इन एसएसजी कमांडोज ने कुछ ही देर में पैसेंजर्स को बाजियाब करवा लिया और इन दहशतगर्दों के ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि इस जहाज में इंडिया की एक एयर होस्टेस भी थी और इंडिया टीएम टाइगर पर मूवी भी बना चुका है। टाइगर जिंदा है नाम तो आपने जरूर सुना होगा, बस फर्क सिर्फ ये है कि इंडिया ने उस कमांडो को अपना ही कमांडो दिखाया है। 200 फरवरी 1994 में तीन दहशतगर्दों ने जो कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे पिशावर के नजदीक एक स्कूल बस के अंदर घुस गए और लोगों को यरगमाल बना लिया। इस बस में 60 टीचर्स और 70 स्टूडेंट्स मौजूद थे। उसके बाद ये इस बस को इस्लामाबाद के अंदर अफगान एम्बेसी में ले गए जहां 55 स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया और बाकी स्टूडेंट्स और टीचर को अफगान एम्बेसी में यरगमाल बना लिया गया। मुजाकरात करने पर पता चला कि इनको कुछ पाकिस्तानी करेंसी और एक हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि इनको अफगानिस्तान छोड़ आए। फौरन से एसएसजी कमांडोज का एक दस्ता बुलाया गया और इन तीनों दहशतगर्दों को कुछ ही देर में अफगानिस्तान की बजाय कब्र में पहुंचा दिया गया और टीचर्स और स्टूडेंट्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। दोस्तों मई 1988 में जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो तीन दहशतगर्दों ने PIA के जहाज पे कब्जा कर लिया। मुजाकरात करने पर पता चला कि ये चाहते हैं कि एटमी धमाके ना किए जाएं। फौरन से एसएसजी कमांडोज को बुलाया गया और 15 मिनट के अंदर अंदर इन तीनों को बिना किसी जानी नुकसान के गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लाहौर पुलिस एकेडमी में कुछ दहशतगर्द घुस आए थे जिनको एसएसजी कमांडोज ने कामयाब ऑपरेशन के बाद मार दिया। 216 दिसंबर 2014 में चंद सफाक दरिंदे आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस गए और 130 मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। उसके बाद एसएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन किया और उन सबको मौके पर ही जहन्नम वासिल कर दिया। इस दिलसोज वाकये के बाद पाक आर्मी ऑपरेशंस शुरू हुए और पूरे मुल्क में मौजूद ऐसे दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा गया और 98% इस बुराई का सफाया कर दिया गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ, लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश, ठीक है साहब, हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी, ठीक है साहब। ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये तो ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई।
और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया।